अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अल्ताफ, फिर से एक बार आपका स्वागत है कूलिंग पॉइंट में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है स्पिट इंडोर यूनिट जो होता है उस पर क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं और उसे किस नाम से बुलाते हैं, हम आपको डायग्राम में भी शो कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और हम आपको वीडियो में भी अब दिखाएंगे ये कैसे कहाँ कौन सा सामान इंस्टॉल रहता है। तो इंशाल्लाह बने रहें वीडियो के साथ, इंशाल्लाह आपको पूरी जानकारी नॉलेज वाली मिलेगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको इंशाल्लाह हम वीडियो में भी शो करते हैं। चलिए देखते हैं आप कूलिंग पॉइंट। आज हम बताएंगे इस एलजी का स्पिट यूनिट इंडोर है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है और इस पार्ट्स का क्या क्या नाम है, इसके सिर्फ हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, इसमें जो पार्ट्स लगे हुए इसके बारे में, इसके मॉडल नंबर और कितने टन का ये। यहाँ देखिए आप मॉडल पे, मॉडल जो है Y24NC N54 है, मीन्स ये दो टन का ये मशीन है, ठीक है। और हम इसके अंदरूनी पार्ट के बारे में आपको बताएंगे कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं और इसमें जो होते हैं इसका यूज़ क्या क्या होता है। चलिए आप वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह हम आपको अब बताते हैं। ये जो है ये मेरा फ्रंट कवर है, फ्रंट ग्रिल है, इसको हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से ऐसे इसको यहाँ लॉक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आइए, ये फिल्टर है, ये जो फिल्टर है जो एयर रिटर्न एयर को यहाँ से सक करता है, ये यहाँ से रिटर्न एयर को सक करता है, आप देख रहे हैं यहाँ से रिटर्न एयर को सक करता है, तो इसमें जो अगर डस्ट वगैरह आए तो ये फिल्टर पे आ जाता है, बाद में फिल्टर निकाल के धो लेते हैं। फिल्टर जो हम रिमूव करते हैं, इसको यहाँ पे दिया हुआ, इसको ऐसे कर दोनों प्लग हटाएंगे और सीधा इसको यहाँ से ऐसे रिमूव करते हैं, फिर इसके बाद इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब ये जो हमारा ये कवर है, फ्रंट कवर है, ठीक है, कवर है, यहाँ एक स्क्रू होता है, यहाँ एक स्क्रू, यहाँ एक स्क्रू, हम तीनों खोलने के बाद इसको यहाँ से ऐसे पुश करते हैं, ठीक है, इसको हल्का करके करके ऐसे पुश करेंगे यहाँ से करके, ये सीधा यहाँ देखिए यहाँ लॉक रहता है, ठीक है, यहाँ लॉक रहता है, ये लॉक ऐसे रहता है, इसको ऐसे सीधा निकालेंगे तो निकल जाएगा, ये फ्रंट कवर हो गया। ये मेरा एवोपरेटर हो गया, जिसको हम लोग कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, ये एवोपरेटर है जिसको हम लोग कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये देखिए ये ड्रेन ट्रे है, जो देख रहे आप ये ड्रेन ट्रे है, ये पूरा ड्रेन ट्रे है, इससे जो स्वीटिंग होगा जो होगा ये वाटर इस पे आता है, यहाँ से सीधा ऐसे होते हुए ड्रेन का लाइन के थ्रू ये बाहर चल जाता है, ये ड्रेन ट्रे। यहाँ देखिए ये बैक ड्रेन है, यहाँ से भी जो आता है सेम ऐसी कनेक्शन है, यहाँ से जो आएगा इधर से होते हुए इधर से बैक चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इधर से उधर घुस रहे, इधर से इन होके इधर से सीधा यहाँ से ऐसे अंदर होके ये ड्रेन, ये जो देख रहे हैं ड्रेन पाइप है, ये ड्रेन पाइप है, इधर से दोनों का पानी इधर से आपका इधर से इधर ड्रेन हो जाएगा, तो ये हो गया। अब आइए ये लोअर है, ये फ्लग भी बोलते हैं, लोअर भी बोलते हैं, ये जो हम इसमें देखिए ये लोअर मोटर लगा हुआ, हम लोग रिमोट से अगर इसको कमांड करेंगे स्विंग करेगा, ये फ्लिप को ऐसे ऐसे करता, जो जहाँ जरूरत आप ठहरा सकते हो ऑटो में, ये प्रॉपर काम करता रहेगा। इसको हम निकालने का तरीका, यहाँ से फ्लैट इसको डबल लगाते ऐसे, या फिर यहाँ से अगर हाथ से खोलना तो पहले आप यहाँ से ऐसे रिमूव करेंगे, इसको यहाँ से हटा दिए, देखिए फिर इसको यहाँ से ऐसे हटा दिए, उसके बाद हम लोग जिधर मोटर नहीं है उसका अपोजिट में हम लोग पहले इसको रिमूव करेंगे, इसको यहाँ से हल्का से पुश करेंगे निकल जाएगा। अब देखिए इधर मोटर साइड में पुश करें, ये निकल गया, ठीक है, ये मेरा फ्लैप, इसको दोनों बाहर निकलिए। अब देखिए ये ब्लोवर है, यहाँ देख रहे हैं ये हमारा ब्लोवर है, ये ब्लोवर है, यही है रूम का रिटर्न जो ये आता है मेरा, इधर से जो इन हो रहा है जहाँ दिखाया था वो फिल्टर साइड से इन हो रहा है, इधर से ये थ्रो करता रूम पे ठंडा करके, इसको इससे शक होता है ये ठंडा रहता, इसके वजह से ठंडा हुआ, इधर से ये थ्रो करता है। ये स्विंग था, ये स्विंग मोटर है, ये भी स्विंग मोटर, ये वर्टिकल स्विंग मोटर है और ये स्विंग मोटर है। ये हमारा डिस्प्ले है, कितना डिग्री ये सेट किए रूम टेम्परेचर, फाइन में कूलिंग मोड में ये शो करता है, ये लाइट है ये शो करता है। ये जो स्विच है ऑटो स्विच है, रिमोट नहीं रहा था हम ऑटो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है।
अब आइए ये देखिए, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल जो हमारा यहाँ से जो फेस न्यूट्रल आउटडोर पे जा रहा है उसका लेके, ठीक है, फेस और न्यूट्रल। अब इधर देखिए ये जो सेंसर है, ये रिटर्न ईयर सेंसर है, ये इसको हम लोग रिटर्न ईयर सेंसर बोलते हैं। ये जो रूम का ठंडा हवा जो है इधर ये होता है, सक करता है, उसको सेंस करता है, अगर टेम्परेचर मेंटेन रहा तो ये फिर एक कमांड देके कट आउट करवा देता है कंप्रेसर को। ये एंटी आइस सेंसर है, ये जो देख रहे आप इस यहाँ पे लगा हुआ, ये एंटी आइस सेंसर, देखिए यहाँ लगा हुआ एंटी आइस सेंसर है, कोयल में इसको आइस ऑन नहीं देता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका टर्मिनल का जो रहता है, इसके जो पीसीबी है टोटल, जो ही इसको पूरा टोटल कंट्रोल करेगा और कंप्रेसर को कमांड देगा ऑन ऑफ होने के लिए टोटल। ये पीसीबी बोर्ड है, ये माइंड बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड है, इसको हम पीसीबी बोर्ड बोलते हैं। यहाँ देखिए टर्मिनल का कनेक्शन भी किया हुआ, इसका यहाँ रिले का फर्स्ट फॉल सेकंड पॉइंट से निकला हुआ और यहाँ एक इससे निकला कॉमन है जो सीधा आउटडोर के लिए जा रहा है। जो मेन लाइन का वायर आ रहा है मेरा, ये देखिए इसमें रिले का फर्स्ट पॉइंट पे है और यहाँ पर देख रहे आप इसका कॉमन पॉइंट पे है, ठीक है, इसी तरीके से सब कुछ। और ये सब जो टोटल जग है इसका बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे, सब स्विंग मोटर और ब्लोअर मोटर। अरे देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हमारा है ये ब्लोअर मोटर, ये कवर किया हुआ, ये ब्लोअर मोटर है, ठीक है। तो इसी तरह से पार्ट्स रहते हैं स्पीड एसी में। और इधर एक देख लीजिए, ये जो हमारा है ये लिक्विड लाइन है और ये हमारा सेक्शन लाइन है, इधर से इन होता है जो आउटडोर से आ रहा है, इधर से आउट होता है। तो बस इतने सा पार्ट्स रहता है और ये हमारा ड्रेन पाइप है, इतने सा पार्ट्स रहता है स्पीड एसी में। किसे क्या क्या बोलते हैं ऑलरेडी हम आपको शो कर दिए, अरे मेन लाइन वायर है शो कर दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा सीखने के लिए, मिला तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे।